हेलो दोस्तों, नमस्कार। एमके टेक्निकल सॉल्यूशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग जानने वाले हैं पर्ल कंपनी का पैकेज एयर कंडीशनिंग है, जिसमें हमारा कंप्रेसर नंबर 1 तो रनिंग में रहता है, लेकिन जो कंप्रेसर नंबर 2 जैसे ही हमारा स्टार्ट होगा उसी टाइम हमारा मेन पावर ट्रिप हो जाता है। तो इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि हमारे सिस्टम में क्या प्रॉब्लम हो रहा है, कि हमारे कंप्रेसर में कुछ प्रॉब्लम है, कि कॉन्टेक्टर में कुछ प्रॉब्लम है, या HPLP में कुछ प्रॉब्लम है, कि किसके वजह से हमारा जैसे ही हमारा कंप्रेसर 2 का कॉन्टेक्टर कैच होता है उसी टाइम हमारा मेन पावर ट्रिप हो जाता है, और हमारा जब कंप्रेसर नंबर 1 चलता है तो उसी टाइम कुछ पावर ट्रिप नहीं होता और कंप्रेसर नंबर 1 नॉर्मली वर्किंग में रहता है। ओके, तो चलिए हम लोग चेक करते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो जैसा कि मैं आप लोग को बता रहा था कि जब हमारा कंप्रेसर नंबर 2 चलता है उसी टाइम हमारा पावर ट्रिप होता है। तो जैसे हमारा कंप्रेसर नंबर 1 है, इसमें अभी अगर कुछ प्रॉब्लम रहेगा तो हमारा तुरंत ये चालू होगा तो भी पावर हमारा ट्रिप हो जाना चाहिए। ब्लोअर मोटर स्टार्ट होता है उस टाइम भी हमारा पावर ट्रिप हो जाना चाहिए, लेकिन इसमें ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं, यानी कि हमारा कंप्रेसर नंबर 1 सही है, ब्लोअर साइड भी सही है, केवल प्रॉब्लम जो है हमारे कंप्रेसर नंबर 2 में प्रॉब्लम है। तो अभी हम लोग कंप्रेसर नंबर 2 के कॉन्टेक्टर पे फर्स्ट कंटिन्यूटी मार के चेक करेंगे कि हमारा जो सिस्टम है कंप्रेसर में कंटिन्यूटी मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। कभी कभी क्या होता है कि हमारा जो कंप्रेसर है कंटिन्यूटी तो बताता है, लेकिन उसी टाइम हमारा बॉडी से अटैचमेंट हो जाता है, यानी ग्राउंड हो जाता है, तो भी हमारा पावर ट्रिप होता है। और कभी कभी क्या होता है कि दो फेस में कंटिन्यूटी बताएगा, एक फेस में कंटिन्यूटी नहीं बताएगा, उसी टाइम भी हमारा पावर ट्रिप होता है। तो चलिए, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, कंप्रेसर का जो तीनों टर्मिनल का जो केबल है कॉन्टेक्टर पे फर्स्ट हम लोग कंटिन्यूटी मार के चेक करेंगे। यहाँ पे अगर यहाँ पे कंटिन्यूटी बराबर मिलेगा, अगर नहीं मिलेगा तो भी हम लोग टर्मिनल पे चेक करेंगे जाके, अगर मिलेगा तो भी टर्मिनल पे चेक करेंगे हम लोग एक बार कन्फर्म करने के लिए। इसे चेक करेंगे तो बेस्ट होता है, क्योंकि हम लोग कभी कभी यहाँ पे ही चेक कर लेते हैं और वहाँ से नहीं चेक करते हैं, तो कभी क्या होता है कि हमारा जो केबल अगर ब्रेक है बीच में और हम लोग चेक किए उसी टाइम यहाँ पे कंटिन्यूटी फेल बता दिया, तो हम लोग क्या करेंगे, बोलेंगे कंप्रेसर खराब है। अदरवाइज दूसरा कोई भी आके चेक करेगा तो बोलेगा यार केबल में प्रॉब्लम है, तुम कंप्रेसर के लिए फॉल्टी बताते हैं। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे भी कंटिन्यूटी मार के चेक करेंगे, बाद में हम लोग कंप्रेसर टर्मिनल पे भी कंटिन्यूटी मार के चेक करने वाले हैं। तो अभी हम लोग देखिए, फर्स्ट हम लोग L1 और L2 पे कंटिन्यूटी मारते हैं। तो देखिए, हम L1 और L2 में कंटिन्यूटी ले रहे हैं तो कुछ भी नहीं बता रहा है। फिर हम L2 और L3 में चेक करेंगे कंटिन्यूटी, तो अब लोग देख सकते हैं L2 और L3 में चेक किया तो भी कुछ नहीं बता रहा। अब हम लोग क्या करेंगे, L1 और L3 को चेक करने वाले हैं साथ में। तो अभी आप लोग देख सकते हो कि हम लोग L1 और L3 में चेक कर रहे हैं तो हमारा कुछ ओम्स कंटिन्यूटी आ रहा है, यानी कि हमारे जो कंप्रेसर का इसके हिसाब से, यानी कि ये पता चल रहा है कि जो हमारा कंप्रेसर का एक बाइंडिंग जल के ओपन हो गई है और हमको उसमें एक टर्मिनल में हमको कंटिन्यूटी नहीं मिल रहा है। लेकिन इस चीज़ को कंफर्म करने के लिए हम लोग कंप्रेसर टर्मिनल पे भी चेक करेंगे। तो अभी हम लोग फर्स्ट यहाँ पे थोड़ा टेम्परेरी के लिए एक ग्राउंड चेक कर लेते हैं कि यहाँ पे हमको ग्राउंड शो कर रहा है कि हमारे सिस्टम में। तो अभी हम लोग इसका फर्स्ट ग्राउंड चेक, अभी मैं आप लोग को बता दूं ग्राउंड देखने के लिए। देखिए, मैं यहाँ पे अपना जो एक मीटर का एक प्राड है यहाँ पे मैं उसको अटैचमेंट कर दिया हूँ ग्राउंड के केबल के साथ में। अब हम लोग जो हमारा कॉन्टेक्टर है उसमें जो कंप्रेसर का तीनों टर्मिनल है उस पर बारी बारी से चेक करेंगे ग्राउंड हम लोग। तो फर्स्ट हम लोग L1 पे चेक कर लेते हैं। तो देखिए, L1 पे चेक कर रहे हैं तो हमारा कुछ ओम्स आ रहा है, यानी कि इसमें बता रहा है कि हमारा जो कंप्रेसर है ये ग्राउंड हो चुका है। अब हम लोग L2 पे चेक कर लेंगे, यानी कि टर्मिनल 2 पे चेक करेंगे। तो देखिए, टर्मिनल 2 पे चेक कर रहे हैं तो कुछ भी ओम्स नहीं आ रहा, आप लोग देख सकते होंगे। अब हम लोग टर्मिनल 3 पे चेक कर लेंगे। तो देखिए, अभी हम लोग टर्मिनल 3 पे चेक कर रहे हैं तो यहाँ पे भी कुछ भी ओम्स शो कर रहा है, यानी कि इससे ये पता चल जाता है कि जो हमारा कंप्रेसर है ग्राउंड हो चुका है। लेकिन फिर भी उस चीज़ को हम लोग कन्फर्म करने के लिए इसका टर्मिनल पे ओपन करके चेक करेंगे, क्योंकि मैं आप लोग को जैसे बता रहा था कि कभी कभी केबल शॉर्ट हो जाता है। मान लीजिए केबल शॉर्ट होकर बॉडी से टच हो गया और हम लोग चेक करेंगे तो ग्राउंड शो करेगा ना, तो इसीलिए हम लोग फर्स्ट टर्मिनल को भी ओपन करके चेक कर लेंगे। तो अभी हम लोग इसका कंप्रेसर का टर्मिनल ओपन कर लेते हैं, पहले टर्मिनल को ओपन करके बाद में इसका जो स्क्रू है टर्मिनल नट का उसको हम लोग अभी बॉक्स ओपन कर लेते हैं। अभी हम लोग इसको ये तीनों स्क्रू ओपन करेंगे, बाद में केबल डिस्कनेक्ट करके इस पर हम लोग कंटिन्यूटी मार के चेक करने वाले हैं। तीनों टर्मिनल ओपन कर दिया हूँ, अब हम लोग इसको यहाँ पे कंटिन्यूटी मारेंगे, चेक करेंगे कि हमारा ओम्स बता रहा है कि नहीं बता रहा है। जैसा कि मैं आप लोग को जो हमारा कंप्रेसर का कॉन्टेक्टर है वहाँ पे जो चेक करके मैं आप लोग को दिखाया था जिस तरीके से चेक किया था ग्राउंड, तो उसी प्रकार हम लोग कंप्रेसर के टर्मिनल पे भी चेक करेंगे, क्योंकि अगर हम लोग केबल के भरोसे नहीं रुकेंगे, केबल हो सकता है हमारा केबल भी शॉर्ट हो सकता है,
उसी टाइम भी तो ग्राउंड बताएगा, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे भी फर्स्ट चेक कर लेंगे। तो अभी हम लोग L1 पे चेक करेंगे, तो देखिए L1 पे चेक कर रहे हैं तो जो हमारा मीटर है वो ग्राउंड शो कर रहा है। हम ग्राउंड देखिए यहाँ से पकड़े, आप लोग देख सकते होंगे कि बॉडी से अटैचमेंट करके रखा हूँ ये ग्राउंड के लिए। अभी हम लोग यहाँ से चेक कर रहे हैं तो L1 पे देखिए हमारा जो कंप्रेसर ग्राउंड शो कर रहा है। अब हम लोग L2 पे चेक करेंगे तो देखिए L2 पे चेक कर रहे हैं तो हमारा जो कंप्रेसर है यहाँ पे कुछ भी ग्राउंड नहीं शो कर रहा है। अब हम लोग L3 पे चेक करेंगे तो देखिए L3 पे भी चेक किए तो हमारा जो कंप्रेसर है वो ग्राउंड शो कर रहा है, यानी कि जो हमारा कंप्रेसर है ये खराब हो चुका है और इसमें हमारा जो एक टर्मिनल नहीं शो कर रहा है, यानी कि जो ये टर्मिनल हमारा है ये जल के ओपन हो गया, इसलिए इसमें ना कंटिन्यूटी मिल रहा है और ना ही इसमें ग्राउंड शो कर रहा है। लेकिन ये दो टर्मिनल पे ग्राउंड भी शो कर रहा है और कंटिन्यूटी भी मिल रही है। तो अगर आपका एसी में भी सेम अगर इस टाइप का प्रॉब्लम मिलता है तो आप लोग सबसे पहले आप लोग अपने कंप्रेसर के कॉन्टेक्टर पे ग्राउंड चेक करें, उसका कंटिन्यूटी चेक करें। अगर सब कुछ बराबर है उसके बावजूद भी आप लोग कंप्रेसर के टर्मिनल पे भी एक बार चेक करें जरूर। ओके दोस्तों, तो आप लोग इस तरीके से चेक करेंगे तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।